हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवन। आज हम चैप्टर वन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आप लोग देखिए ध्यान से, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपको ये आंसर आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरे। इन इंडिया द पीरियड बिटवीन डैश एंड डैश इज नॉन एज मिडिवल पीरियड। पहला चैप्टर जो था वो मिडिवल पीरियड के बारे में था कि मिडिवल पीरियड किसे कहते हैं। तो भारत में जो समय था 8 to 18, हम लोग लिखेंगे 8 to 18 इज नॉन एज मिडिवल पीरियड, यानी 8 से लेकर 18 सदी मिडिवल पीरियड कहलाता है। ठीक है, सेकेंड में आएंगे, वेयर हायर टू कॉपी मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट को कॉपी करने के लिए, उसका ये बनाने के लिए, प्रतिलिपि बनाने के लिए हायर किए जाते थे क्या, तो उनका उनको कहते थे स्क्राइब, SCRIBE, स्क्राइब। स्क्राइब कहते थे जो कि पैसे लेकर लिखने का काम करते थे, तो स्क्राइब। तो सेकेंड वाले में हम लोग क्या भरेंगे, स्क्राइब। थर्ड में है, डैश पासिस थ्रू साउथर्न इंडिया ऑन हिज वे फ्रॉम चाइना टू पर्सिया। यात्री थे, एक ट्रेवलर थे जो कि साउथर्न इंडिया से पार हुए थे भारत से, जो कि चाइना और पर्सिया के रास्ते में पड़ा था, तो उनका नाम था, मैं लिख देता, स्पेलिंग ध्यान से सुनेंगे आप लोग, उनका नाम था मार्को पोलो, MARCO POLO। यहां मैं लिख देता हूं, आप लोग स्पेलिंग देखिए, MARCO मार्को, फिर POLO पोलो, मार्को पोलो। वो जो थे इटालियन थे और वो जा रहे थे पर्सिया टू चाइना टू पर्सिया, और बीच में उन्हें साउथर्न इंडिया से होकर गुजरना पड़ा। अकबरनामा इज रिटन बाय, अकबरनामा अकबर की जीवन जीवनी है, लेकिन आप लोगों को मालूम होगा ये बात कि अकबर जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो पढ़े लिखे लोगों की काफी इज्जत करता था। और अकबर नामा है तो वो लिखा गया था अबुल फजल द्वारा, देखिए यहाँ पे उसका नाम भी लिखा हुआ है, अबुल फजल के द्वारा, अबुल फजल कर देंगे। फाइव में, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ एनी कंट्री विदाउट नोइंग इट्स। हम किसी देश का इतिहास तब तक नहीं जान सकते जब तक कि उसका ज्योग्राफी, जब तक हम ज्योग्राफी, स्पेलिंग GEOGRAPHY, ज्योग्राफी, हम किसी देश का इतिहास, हिस्ट्री तब तक नहीं जान सकते जबकि जब तक हम उस देश का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी न जान ले। ठीक है, अब आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब सही विकल्प चुनना है। द मिडिवल पीरियड बिगेन इन इंडिया, मिडिवल पीरियड अभी हमने बताया था 8 से लेकर 18 सदी तक चला था, तो स्टार्ट कब हुआ था वो 8th century AD। ठीक है, आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, आर्कियोलॉजी में हम लोग क्या, किस चीज का अध्ययन करते हैं, म्यूजिक एंड पेंटिंग का, हिस्टोरिकल रिमेन्स का, कोइंस का, या ऑल ऑफ द अबव का। तो आर्कियोलॉजिकल में हम लोग हिस्टोरिकल रिमेन्स, जो कि बचे हुए जो भी शेष है, सामान है, भवन है, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। कोइंस, पुराने कोइंस मिलते हैं तो उसे तो न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता था, उसके अध्ययन को। म्यूजिक एंड पेंटिंग तो अलग है। ठीक है, अकबर नामा वाज रिटन बाय, अभी बताया था मैंने,
अकबरनामा किसने लिखा, ऊपर मैंने भरा भी था, यहाँ पे होगा अबुल फजल, अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। नेक्स्ट है मनुस्क्रिप्ट्स आर केप्ट इन, मनुस्क्रिप्ट जो कि हमारे इतिहास को दर्शाता है बताता है वो कहाँ रखे जाते हैं, म्यूजियम में, आर्काइव्स में, लाइब्रेरी में, शॉप्स में, तो इसका होगा आर्काइव्स, यानी आर्काइव्स में होता है जहाँ पे हम लोग पुराने दस्तावेजों को, डॉक्यूमेंट्स को सहेज कर बढ़िया से सुरक्षित रखते हैं, तो उसे हम लोग लिखेंगे आर्काइव्स। ठीक है, मैच द फॉलोइंग देखते हैं। स्क्राइब, स्क्राइब अभी मैंने बताया था कि जो मनुस्क्रिप्ट को कॉपी करने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे, बाबर, बाबर जो है वो मुगल का संस्थापक था, मोहम्मद गौरी जो था वो मुस्लिम इन्वेडर था, लुटेरा आक्रमणकारी था, और इब्न बतूता जो था वो इटालियन था। तो स्क्राइब जो था वो कॉपीड मनुस्क्रिप्ट, बाबर जो है वो मुगल, मोहम्मद गौरी मुस्लिम इन्वेडर, और इब्न बतूता इटालियन। ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। पीरियड बिटवीन 5th to 15th century इज नॉन एज मेडिवल पीरियड इन यूरोप, जैसे भारत में मेडिवल पीरियड 8 से लेकर 18 सदी माना जाता है, वैसे ही यूरोप में ये टाइम है 5 से लेकर 15 सेंचुरी, यानी कि पहला जो है वो ट्रू है, तो हम लिख देंगे ट्रू। सेकेंड है लेस मटेरियल इज अवेलेबल फॉर मेडिवल पीरियड एज कम्पेयर एज टू एंशियंट पीरियड, यानी बोला है कि मध्यकालीन भारत का जो मटेरियल है, सामान है, वो कम प्राप्त हुए हैं एंशियंट पीरियड की तुलना में। नहीं, ऐसा नहीं है, एंशियंट पीरियड में लिखने का भी आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय की जो हमारे पास सबूत है, जो स्रोत है वो काफ़ी कम है, लेकिन मेडिवल पीरियड में का स्रोत हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें लिख देंगे फॉल्स, और ये हो जाएगा रॉन्ग। थर्ड है द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर वाज अ मेजर इवेंट इन आवर हिस्ट्री, यानी जब मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी तो वो हमारे प्राचीन इतिहास की एक मेजर इवेंट थी। देखिए मेजर तो थी लेकिन वो प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री की नहीं, मिडिवल हिस्ट्री की थी, ये भी गलत करेंगे क्योंकि वो मध्यकालीन भारत में आया था और ना कि एंशियंट हिस्ट्री में। द राइज ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट हैपेंड इन द मिडिवल पीरियड, हाँ भक्ति और सूफी आंदोलन जो है मध्यकालीन भारत के समय अपने जोरों शोरों पर थे। अकबरनामा इज रिटन बाई अकबर, ये तो गलत है, सब जानते हैं, अभी ऊपर दो बार हमने पढ़ चुका है, अकबरनामा जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, कल हम लोग सब्जेक्टिव भी करेंगे, तब तक के लिए आप लोग स्टे ट्यून कीजिए। ओके।